मुजफ्फरपुर में ऑटो चालक ही बना लुटेरा। मामला नगर थाना के कंपनी बाग की है, जहां ऑटो में बैठे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर से ऑटो चालक और उसके साथियों ने लूट की और सभी लुटेरे मौके से फरार होने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। चोरी का आरोप लगा के लोग पैसा चोरी की पकड़े हुए था, अभी हम ले जा रहे हैं जांच पड़ताल। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मोतीपुर के बजरीडी गांव का है, जहां लुटेरे वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करके दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से एक देसी पिस्टल, 7 गोली और 21,000 रुपए नकदी भी बरामद की है। शराब का एक संगठित गिरोह का एक खेप पकड़ा गया है, उसमें दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, 40,000 रुपए भी साथ में पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर के ये 240 कार्टन शराब था जो कि खपने जा रहा था। पुलिस को अचूक सूचना थी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। मैं बता देता हूँ कि जिस तरह से कुछ सूचनाएँ मिली हैं कि चंद गिरोह शराब में संगठित होकर काम कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पर पुलिस संगठित होकर कहीं कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों को दर्ज कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस भागे हुए लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।